हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिल्ली का बिलंगोड़ा। यह कहानी जो कि लिखित है राजेंद्र लाल हांडा जी की ओर से। अब बिलंगोड़ा का मतलब क्या होता है? बिलंगोड़ा का मतलब होता है कि बिल्ली का छोटा बच्चा, जिसे हम इंग्लिश में किटन भी कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस कहानी को। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। कहीं विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आँख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। यह प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधिपूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से झूठन ही खाती, इसीलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। जब मौका लगता मज़े से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही, जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। बिल्ली आई। वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बज चुके थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा, सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाना माने बाथरूम, नहाने का, स्नान का कक्ष। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें।
खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह सुबह ही क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी था, कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालात के मज़े लेने दे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाए। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया है। देवनगर से तो कोई उठाए जा चुके हैं। बाद में इसके साथ जो चाहे करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों के उठाए जाने की खबरें आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छापा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लिए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुला कर लाया था, क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है दरोगा जी, ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। दरोगा ने बगल से निकाल कर बेत अपने हाथों में ली ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी के बदमाशी के गवाह है, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। थानेदार की समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा
और एक तांगे वाली की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। तो इस तरह से हमने कंप्लीट की ये कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और समझी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।